उत्तर प्रदेश में किसान अगर सबसे ज़्यादा किसी नेता की तरफ देख रहे हैं और अगर पॉलिटिकली लेवल पे बात करें तो वो यकीनन जयंत चौधरी ही हैं। जयंत चौधरी किसानों को अपनी आवाज़ लगते हैं, जब जयंत चौधरी बोलते हैं तो किसानों को ऐसा लगता है कि ये उन्हीं की आवाज़ है। जैसे ही लखीमपुर खीरी की घटना का पता चला, जयंत चौधरी ने संदेश दे दिया है कि वो कल की तारीख में लखीमपुर खीरी के लिए निकलेंगे, लखीमपुर खीरी वो जाएंगे। लेकिन इस बीच उनके लखीमपुर खीरी जाने के लिए तमाम उनको बाधाएं पार करनी पड़ेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस उनको लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचने देगी। इस बात के संदेश साफ लग रहे हैं। लखीमपुर खीरी के रास्तों में बैरिकेडिंग शुरू हो गई है। राकेश टिकैत के काफिले को जगह जगह यूपी पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। एक बार पीलीभीत के पास रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पीलीभीत के पास पुलिस बल कम था तो राकेश टिकैत के काफिले को रोक नहीं पाए, क्योंकि राकेश टिकैत जहाँ जाते हैं वह काफिला जुड़ता जाता है। हर ज़िले से लोग जुड़ते जाते हैं क्योंकि राकेश टिकैत का साथ आज के वक्त में हर कोई देना चाहता है। तो राकेश टिकैत का तो काफिला अभी तक नहीं रोक पाई पुलिस, लेकिन लखीमपुर खीरी में भारी पुलिस बल जुट रहा है और ऐसी उम्मीद है कि राकेश टिकैत को ना ही घटना स्थल पर पहुँचने दिया जाएगा, ना ही पीड़ितों के परिवार से मिलने दिया जाएगा और ना ही अंतिम संस्कार में किसी पॉलिटिकल नेता को शामिल होने दिया जाएगा। यहाँ तक कि किसान नेता राकेश टिकैत को भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं जयंत चौधरी ने भी कमर कस ली है। जयंत चौधरी सवेरे आज जब निकल रहे हैं लखीमपुर खीरी की तरफ तो उनके सामने तमाम बाधाएं आएंगी लखीमपुर खीरी तक पहुंचने में। हालांकि वो पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हाथरस में उनके सामने तमाम बाधाएं आई थी वो पहुंच भी गए थे, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। इसी तरह पुलिस उनके ऊपर यहाँ भी लाठीचार्ज करने की कोशिश कर सकती है और उनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अब अगर जयंत चौधरी ने घोषणा कर दी वो लखीमपुर खीरी जाएंगे तो मतलब जाएंगे और उनको रोकने वाला शायद ही कोई हो। हालांकि उनको पीड़ित परिवारों से और घटना स्थल पर पहुंचने से ज़रूर रोकने की कोशिश करेगी पुलिस, लेकिन जब जयंत चौधरी ने ठान लिया तो उनका रोकना बेहद ही मुश्किल होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।